चेहरे पर मासूमियत, आंखों में प्यार और सादगी भरी शख्सियत। तुमने कभी बताया नहीं तुम डांस किया करती थी। इसमें बताने की क्या बात है, और वैसे भी मैं डांस किया करती थी, अब नहीं करती। बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों लोगों को दीवाना बना दिया। हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। इन्होंने ज्यादा फिल्में तो नहीं की, लेकिन फिर भी इनके चाहने वाले इन्हें फिल्म मोहब्बतें और नीमा सैंडल सोप के फेमस एड की वजह से आज भी याद करते हैं। सुनहरा बदन, हल्दी चंदन, मैं हूं नीमा सैंडल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड के खिलाफ चल रहे बायकॉट कल्चर पर जमकर अपना गुस्सा निकाला और कहा कि ये ट्रेंड उन चंद लोगों का है जो बॉलीवुड से जलते हैं। ए, डोंट से एनीथिंग अबाउट मलिका, ओके? यू नो आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हर्स। इसकी छुट्टी कोई नहीं कर सकता। क्या आप मानेंगे कि इन्होंने एक्टर अक्षय कुमार पर असली हेराफेरी करने और सेट पर लोगों की घड़ियां चुराने के आरोप लगाए, जिसने सबको हैरान कर दिया। कीमत सही मिल जाए तो मुल्क बिक जाते हैं मिस्टर संपत, ये तो आखिर हीरे हैं। आप मिस्टर चौकसी से बात कीजिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने सलमान खान के चर्चित कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का ऑफर ठुकरा दिया और बार बार बुलाने पर एक तीखा सा बयान दे डाला। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो चंदर, मैं यहाँ लोगों के सामने अपने कपड़े उतारने नहीं आई हूँ, और अगर इसी तरह हीरोइन बना जाता है तो मुझे हीरोइन नहीं बनना। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों इन्हें बहुत कम वक्त में ही बॉलीवुड छोड़ना पड़ा, ये आज कहाँ हैं और क्या करती हैं? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी राजदार किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में जिस शख्स की कहानी हम बयां कर रहे हैं वो है 2000 के दौर में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री प्रीति झांगियानी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ के बारे में। प्रीति झांगियानी का जन्म 18 अगस्त 1980 को कर्नाटक के मैंगलोर के एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। मेरे मम्मी और पापा, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स पार्टीशन के टाइम से कराची से आए थे मुंबई, और तब से मेरी फैमिली मुंबई में ही बेस्ड है। प्रीति ने मुंबई के जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर हायर स्टडी के लिए जय हिंद कॉलेज ज्वाइन किया। यहाँ प्रीति कंप्यूटर ग्राफिक्स से संबंधित कोर्स कर रही थी, लेकिन ये ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाई। ग्रेजुएशन भी थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी सारी मॉडलिंग और एक्टिंग कर रही थी। प्रीति खूबसूरत दिखती थी और कॉन्फिडेंट भी थी, ऐसे में इन्हें कॉलेज के समय में ही कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे, जिन्हें प्रीति ने किए भी। फिर मैंने वहाँ ये पैम्फलेट देकर हमने हमारे फ्रेंड्स ने जाकर ऑडिशन दिया, और उस एड फिल्म के लिए मैं सिलेक्ट हो गई, कोलगेट जेल का जो था। अच्छा। और वहाँ पे सेट पे जो फोटोज क्लिक किए गए थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक दो एड एजेंसीज को। सो वहाँ से आई स्टार्टेड मॉडलिंग, और मैंने काफ़ी एड फिल्म्स किए, और मेरा पहला म्यूजिक वीडियो जो था वो पंकज उदास जी के लिए था, सच बोलता हूँ मैं। इसके बाद इन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला, जिसे राधिका राव और विनय सप्रू की जोड़ी ने डायरेक्ट किया था। ये गाना था सच बोलता हूँ। तेरे हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ मैं। बहरहाल ये गाना बहुत हिट तो नहीं हुआ, लेकिन प्रीति झांगियानी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नजरों में जरूर आ गईं। इसके बाद प्रीति को सीधे राजश्री प्रोडक्शन से ऑफर आ गया। रजत बड़जात्या ने राजश्री का नया वेंचर राजश्री म्यूजिक शुरू किया था, और इसी में बनने वाली शुरुआती म्यूजिक वीडियो के लिए प्रीति झांगियानी को अप्रोच किया गया था। प्रीति के साथ इस म्यूजिक वीडियो में अब्बास नाम के एक्टर थे, और इस गाने से मशहूर मराठी सिंगर मिलिंद इंगले अपना हिंदी सिंगिंग डेब्यू कर रहे थे। वीडियो के डायरेक्शन की जिम्मेदारी थी कुणाल कोहली की, गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी सरोज खान, और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभाल रहे थे मनीष मल्होत्रा। प्रीति इन सभी दिग्गजों के सामने बिल्कुल न्यूकमर थी। ये गाना था छुई मुई सी। छुई मुई सी तुम,
लगती हो, फूलों जैसी हस्ती हो। ये राजश्री के एल्बम ये है प्रेम का हिस्सा था जो सुपरहिट रहा और ये गाना ट्रेंड सेटर साबित हुआ। तुम हो परी या अप्सरा, तुम हो सभी से जुदा। इस गाने के वीडियो में इस्तेमाल हुए कोआला और दूसरे प्रॉप्स दुकानों पर बिकने शुरू हो गए। वहीं एक बार इस गाने से जुड़े इवेंट के लिए प्रीति और अब्बास पुणे गए और वहां इन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि ये लोग वेन्यू से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। इस वक्त प्रीति की उम्र लगभग 17 साल की रही होगी, जबकि इन्हें इस एक ही म्यूजिक वीडियो से इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि इन्हें भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। खैर, प्रीति जांगियानी का एक्टिंग करियर शुरू हो गया और इसके बाद इन्हें कुछ टीवी विज्ञापनों में भी अच्छा एक्सपोजर मिलने लगा, जिनमें सबसे खास रहा नीमा सैंडल सोप। सुनहरा बदन, हल्दी चंदन, मैं हूं नीमा सैंडल। इसके बाद प्रीति को 1999 में माझा विलु नामक मलयालम फिल्म में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। इसी साल प्रीति ने तेलुगु फिल्म थोमुद्दु में भी काम किया। ये इंटी गुलाबी पोज़ो यावर की? नहीं करा। ना क्या वक़र लेदू? ये बहुत इसके लिए यावर ने मॉडल कॉलेज अम्मे कन पड़तुंदे मो। हाँ अम्मे की वो। इसके बाद प्रीति को पवन कल्याण से लेकर बालकृष्ण और प्रशांत जैसे पॉपुलर साउथ इंडियन स्टार्स के साथ फिल्में करने का मौका मिला। इस समय प्रीति अपने एक्टिंग करियर में पूरी तरह से बिजी हो गई थी। तभी एक दिन इनके पिता को यशराज फिल्म से आदित्य चोपड़ा का फोन कॉल आया और उन्होंने प्रीति को अपने ऑफिस बुलाया। प्रीति अपने पापा के साथ YRF स्टूडियो पहुंची, तब उन्हें पता तक नहीं था कि YRF कितना बड़ा ब्रांड है। प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस फिल्म का नाम था मोहब्बतें, जिसमें एक रोल के लिए प्रीति झांगियानी को अप्रोच किया गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले एक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें डिक्शन से लेकर डांस क्लासेस और अदाएं सब कुछ सिखाई जाती थी। मोहब्बते में प्रीति के किरदार को क्लासिकल डांसर दिखाया जा रहा था, इसलिए इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। मोहब्बतें फिल्म बनकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। इस फिल्म में दिखने वाला हर एक्टर स्टार बन गया और शाहरुख, अमिताभ, ऐश्वर्या जैसे जो स्टार थे उनका स्टारडम और ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस फिल्म में सफेद सूट और शिफॉन के दुपट्टे में नजर आई प्रीति ने एक सीधी साधी यंग विडो लड़की का किरदार निभाया और दर्शकों को उनका ये रोल बहुत पसंद आया। हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही। इस फिल्म में प्रीति इतनी मासूम और खूबसूरत दिखी कि देश भर के लाखों यूथ इनके दीवाने हो गए। फैंस आज भी इस फिल्म में निभाए गए किरण के इनके किरदार को याद करके मदहोश हो जाते हैं। इसके बाद प्रीति को दूरदर्शन सहित कई बड़े मंचों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। Nobody else could have presented me जिस तरह यशराज फिल्म से मुझे प्रेजेंट किया, जिस तरह उन्होंने मुझे ट्रेन किया, उनकी आई डोंट थिंक कोई और डेब्यू फिल्म इस तरह नेशनली और इंटरनेशनली। इसके बाद प्रीति को फिल्मों के ढेर सारे ऑफर मिले, लेकिन इन फिल्मों में प्रीति काम कर पाती उससे पहले ही ये बुरी तरह से बीमार हो गईं और यही इनके करियर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ। खबरों के मुताबिक मोहब्बतें के बाद प्रीति ने लगभग 10 से ज्यादा फिल्में साइन की, लेकिन लंबे समय तक बीमारी से जूझने की वजह से इनके हाथ से ये अधिकतर फिल्में जाती रही, तो वहीं जो इक्का दुक्का फिल्में बची थी वो शुरू ही नहीं हो पाई। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि प्रीति को कुछ फिल्में इसलिए भी छोड़नी पड़ी क्योंकि ये यशराज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी। इसमें सुभाष घई की भी एक फिल्म शामिल रही। बीमारी से रिकवर होने के बाद भी फिल्मों में वापसी करना प्रीति के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि इन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था और ना ही इनकी फैमिली में किसी का फिल्मी बैकग्राउंड था। प्रीति की ना ही इतनी नेटवर्किंग हो पाई थी और ना ही ये ज्यादा आउटस्पोकन थी, तो वहीं बीमारी में हाई पावर एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से अब प्रीति का लुक बदलने लग गया था और इनके वेट में भी काफी गिरावट आ गई थी। इसका असर ये हुआ कि इन्हें मिलने वाले ज्यादातर ऑफर हाथ से निकल गए और आंखों के सामने मुट्ठी की रेत की तरह सब कुछ फिसलने लगा। तुम सबसे पहले मुझे मिले थे, तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था अक्षय के बारे में। मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन 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 क्या राहुल, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अक्षय मिसिंग है? हालांकि इस बीच साल 2001 में इनकी दो तेलुगु फिल्में जरूर रिलीज हुईं, लेकिन उनसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
आगे कुछ महीने बाद प्रीति ठीक तो हो गई, लेकिन इनका चार्म अब दर्शकों में थोड़ा कम हो गया था। खैर, प्रीति ने फिर से काम पर वापसी की और कुछ फिल्मों की शूटिंग शुरू की। इनमें इन्होंने सबसे पहले पूरी की साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ना तुम जानो ना हम, जिसमें इनका स्पेशल अपीयरेंस था। इसी साल प्रीति की एक और फिल्म रिलीज हुई आवारा पागल दीवाना, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और प्रीति का इसमें छोटा सा रोल था। जिसे हंसना रोना है, 2002 में ही इनकी दो और फिल्में आईं, जिनमें से एक थी वाह तेरा क्या कहना, जिसमें गोविंदा के साथ रवीना टंडन लीड रोल में थी और प्रीति सपोर्टिंग एक्ट्रेस। साल 2002 की प्रीति की अगली फिल्म रही अनर्थ। संजय दत्त सुनील शेट्टी स्टारर इस फिल्म में प्रीति का भी ठीक ठाक रोल था, लेकिन अफसोस ये फिल्म चली नहीं। तुम लोग मुझे अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? मैं तो ये सब छोड़ छाड़ कर चली गई थी ना, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या मैं तुमसे कहती हूँ बार छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, अपना ये स्मगलिंग छोड़ दो? साल 2003 में प्रीति की दो फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से पहली थी बाज अ बर्ड इन डेंजर। क्योंकि मेरा दिल कहता था हर्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कोई बात है हर्ष, कोई बीमारी है। ढेर सारे सितारों से सजी इस फिल्म में प्रीति के करने के लिए कुछ खास नहीं था। तो वहीं इस साल की इनकी दूसरी फिल्म रही एलओसी कारगिल, और ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म ही थी। साल 2006 में प्रीति की एक फिल्म रिलीज हुई चांद के पार चलो, जिससे इन्हें काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये भी फ्लॉप ही रही। जरा रुख से नकाब तो हटाना, माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत हो चंदर, सच आज मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद प्रीति दो और फिल्मों में नजर आई, आन मेन एट वर्क और देखो ये है मुंबई रियल लाइफ। एक बात कहूँ, जब तुम सुबह काम पर जाते हो ना, तो सारा दिन चिंता रहती है, नजरें दरवाजे पर रहती हैं और मन में भगवान का ध्यान। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से धड़ाम हो गईं और एक के बाद एक तमाम फिल्मों की असफलता से प्रीति बेहद निराश हो गईं और इन्होंने फाइनली बॉलीवुड को अलविदा कहने का फैसला लिया। प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनका फिल्मों से दूर होने का इरादा नहीं था, लेकिन मोहब्बतें फिल्म ने इन्हें बहुत बुरे तरीके से टाइप कास्ट कर दिया था। अब हर फिल्म मेकर इन्हें संस्कारी और दुखियारी बहू के रोल में देखना चाहता था। कुछ फिल्में तो इन्होंने कर ली, लेकिन कुछ नया या हट के करने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में इन्हें अनंत महादेवन डायरेक्टेड फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में काम करने का मौका मिला, जिसमें प्रीति ने नेगेटिव किरदार निभाया था। मगर इसके बाद कुछ नया मिलना बंद हो गया, ऐसे में प्रीति ने फिल्मों से दूरी बना ली। हाँ, बीच बीच में एकाध छोटी मोटी फिल्में कर लेती थी, लेकिन सीरियस होकर नहीं। प्रीति ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी और हिंदी जैसी 8 भाषाओं में फिल्में की। आगे चलकर प्रीति अभिनेत्री से निर्माता भी बनी और अपने पति के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इसी के बैनर तले इन्होंने एक फिल्म बनाई, सही धंधे गलत मंदे। जो किसान डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? वैसे तो सरकार उनकी जमीन के पैसे दे रही है। हालांकि ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन कुछ इंटरनेशनल समारोहों में जरूर गई। प्रीति की निजी जिंदगी की बात करें तो इनकी पहली सगाई फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के भाई मुश्ताक खान से हुई थी। हालांकि कुछ मुद्दों के चलते इन दोनों ने अपनी ये सगाई तोड़ दी थी। इसके बाद प्रीति मनाली में विद लव तुम्हारा फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसमें इनके हीरो थे परवीन डबास। प्रीति को लगा कि परवीन थोड़े अलग किस्म के शख्स हैं, ये रेगुलर फिल्म हीरो नहीं है। प्रमोशन के दौरान इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और साल 2008 में परवीन और प्रीति ने शादी कर ली। इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए, राजवीर और देव। प्रीति बॉलीवुड में चल रहे बायकॉट ट्रेंड को बिल्कुल सही नहीं मानती हैं। इन्होंने इस बारे में कहा था कि बायकॉट ट्रेंड को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती, ये पूरी दुनिया के सामने बॉलीवुड की गलत छवि पेश कर रहा है। मेरा भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, इस इंडस्ट्री में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि बायकॉट ट्रेंड उन चंद लोगों का है जो बॉलीवुड से जलते हैं। वैसे सोशल मीडिया पर थोड़े हद तक तो कमेंट्स इग्नोर करने पड़ते हैं,
मैं भी करती हूँ, पर ज्यादा गलत पब्लिसिटी इस इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। प्रीति ने एक बार अक्षय कुमार के बारे में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि फिल्म आवारा पागल दीवाना के सेट पर अक्षय लोगों की घड़ियां चुराने सहित कई तरह की शरारतें किया करते थे। हालांकि थोड़ा परेशान करने के बाद वो ये सारे सामान लौटा देते थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रीति झांगियानी ने क्यों सलमान खान के फेमस और विवादित शो बिग बॉस में जाने से इनकार कर दिया था और बार बार वहां से बुलावा आने के बाद भी इन्होंने ये कहा था कि इस शो में जाना मेरे बस की बात नहीं है। कुछ समय पहले ऐसी न्यूज सामने आई कि बिग बॉस 15 में प्रीति झांगियानी को भी देखा जा सकता है, लेकिन फिर प्रीति ने इन खबरों को खारिज करते हुए इन्हें अफवाह बताया और शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फिर प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पिछले कुछ सालों में मुझे लगातार बिग बॉस के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मैं हर बार ही इसे ठुकरा देती हूँ। इस बार भी जब बिग बॉस 15 की क्रिएटिव टीम ने मुझे फोन किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। दरअसल बिग बॉस के घर में मैं 2 दिन भी नहीं रह पाऊंगी, इस शो में रहना मेरे बस की बात नहीं। फिलहाल की बात करें तो प्रीति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्टिंग से दूर फिलहाल ये अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा में रहती हैं और बच्चों की परवरिश में बिजी हैं। हालांकि कुछ समय पहले इन्होंने लखनऊ में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली फिल्म महापौर की शूटिंग की थी, जिसमें ये मेयर बनी थी। इसके अलावा एक वेब सीरीज कफस में भी इनका अच्छा रोल रहा। I knew it was risky for me, it was difficult for me, it would be, you know, the audience would have to see me in something new and accept me in something new, but I knew I would get to play somebody real. 43 वर्षीय प्रीति भारत में आर्म रेसलिंग की प्रमोटर भी हैं। इन्होंने अपने पति परवीन डबास के साथ मिलकर 2020 में प्रो पांजा लीग लॉन्च किया था। भले ही अब प्रीति फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आती हैं, लेकिन आज भी ये पहले जैसी ही खूबसूरत और फिट नजर आती हैं, साथ ही फिल्मों में काम करने को लेकर भी उत्साहित रहती हैं। ये अक्सर अपने वर्कआउट वीडियोस और फोटोज फैंस के साथ शेयर करती हैं। तो ये रही कहानी मोहब्बतें फेम क्यूट और मासूम सी दिखने वाली प्रिटी एक्ट्रेस प्रीति झांगियानी की। तो प्रीति झांगियानी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी लिखकर बताना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। पैरों में बंधन है, आयल ने...